अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आई उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं ब्लॉक ही नॉर्थ तसवाबाद में बद्री टॉयज़ के वहाँ हूँ। आज मैं टॉयज़ का रिव्यू करूँगा। उम्मीद है कि आप मेरा आज का व्लॉग एंड तक देखिएगा और प्लीज़ कहीं नहीं जाइएगा, इसलिए कि आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कहीं नहीं जाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम? मुर्तजा जी। मुर्तजा भाई बताएंगे आप अपनी शॉप के बारे में। जी देखिए, मैं हैदरी में छोटे बच्चों का है ये, अभी आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं।
कम कीमत में है और अच्छा है, जैसे ये लोकल वाला है और ये इम्पोर्टेड है। अच्छा, लोकल की क्या प्राइस है? 750 और इम्पोर्टेड की 700, लेकिन साइज का डिफरेंस है, साइज छोटा है और वो बड़ा है। अच्छा, और इसके अलावा ये सारी चीजें कार्ड्स वगैरह बड़े बच्चों के लिए आती है, मैकेनो कहलाता है ये। ओके, ये इसमें जो है ना 30 आइटम्स बनते हैं मैकेनो में। ठीक है, इसमें बच्चे जो है बड़े बच्चों के लिए अच्छी चीज है, थोड़ी सी ये के इंजीनियरिंग वाली चीज है, बच्चे बैठते हैं बनाते हैं और उनका थोड़ा सा दिमाग भी उस तरफ लगता है कि कुछ बनाना है। इधर उधर आजकल जो वीडियोस पे बैठ के चलते रहते हैं उससे हटाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये क्या प्राइसेस है इसके? ये आपको 1400 रुपीज़ का पड़ेगा। एक इसमें इससे छोटा वाला है वो 850 का पड़ेगा आपको। अच्छा, और ये क्या है मुर्तजा भाई? ये लेगोस के जो है ना सारे फिगर्स हैं, ये इसकी भी आजकल बड़ी डिमांड्स हैं, बच्चे जो है वो लेगोस वगैरह बनाते हैं तो उनमें उनका मेंस चाहिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। Okay. तो इसमें तकरीबन सारे कंप्लीट मेंस हैं जो इस वक्त लेगोस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये भी, ये क्या प्राइस है इसके मुर्तजा भाई? ये 2795 रुपीज़ का भी हम बेच रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत जो है वो 3000 से उसके ऊपर बढ़ चुकी है। अच्छा, तो अभी पुराने रेटों में ही दे रहे हैं इसको। ओके ओके, मुर्तजा भाई अब ये बताएंगे ये सारी चीज़ें। पोल्ट्री भी कहलाता है, ये बड़े बच्चों के लिए होता है, इसमें अच्छी एक्टिविटीज है। पोल्ट्री जो है वो रियलिटी है, कहीं से भी मतलब किसी भी दुनिया के कोने से अगर आप इसकी वीडियो खोलते हैं तो पोल्ट्री के बारे में ये आपको बताएंगे कैसे बनती है, कैसे बनानी होती है। अच्छा। हमारी यहाँ की एक सकाफत भी है जिसमें हम ये मटके खासतौर पर सिंध में जो बनाए जाते हैं, मटके वगैरह बनाए जाते हैं और आपने घर में डेकोरेशन पीस बनते हैं, ये सब वो चीजें हैं। तो ये कितने तक की प्राइस है इसकी? ये आपको मिलेगी, ये जो है वो चार्जिंग वाला है 1900 का पड़ेगा एंड विदाउट चार्जिंग जो है वो 1700 का है। अच्छा, और इसके अलावा ये सारी चीजें जैसे डायनामिक टॉर्च वगैरह है, ये इलेक्ट्रिक साइंस वाला आइटम है बच्चों के लिए। ओके, इसमें ये है कि बच्चों को ये पता चलता है कि जी इलेक्ट्रिक साइंस क्या चीज है, क्या किस तरह एक चाइनीज जो है वो जो ना खेल खेल के वो पढ़ा रहा है, मतलब इसका मतलब है कि खेलने के साथ बच्चों को नॉलेज भी फराम की जा रही है, फराम की जा रही है कि बच्चों को ये पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, क्या होता है और क्यों होता है, मतलब इन खेलों से काफी ग्रूमिंग हो जाती है बच्चों की, उनको आइडिया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा ये सारी चीजें सर? ये छोटे छोटे ये फन आइटम है, ये रैबिक क्यूब्स है, ये छोटा वाला बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये हमारे पास 150 रुपीज का होता है, इसकी स्मूथनेस काफी है। ठीक है जी, इसको चलाया है, इसकी वजह से टूटते नहीं, अटकते नहीं, टूटते नहीं। चाहिए क्या कहते हैं, ये कितने प्राइस है इनका? ये 150 का पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा ये सारी चीजें जो है वो सेल में रखी हुई है सर। ओके, और इसके अलावा ये सारी चीजें, सारे फिगर्स हैं, ये एवेंजर्स वगैरह के। ओके ओके, ये क्या प्राइसेस है सर इनके? जी 200 रुपीज से लेके 900 तक का है। अच्छा, और ये सारी चीजें सर जो आपके पास गाड़ी वगैरह रखी, छोटे बच्चों की गाड़ियां हैं इसमें, लोकल और चाइनीज गाड़ी सारी है, 150 से स्टार्ट है ये आइटम्स और तकरीबन 350-250 रुपए में जा रहा है। अच्छा, और इसके अलावा मतलब जैसे लोग ज्यादा लेते हैं कुछ डिस्काउंट भी कर देते हैं? बिल्कुल जी कर देते हैं, उसमें अगर टोटल अमाउंट में भी कुछ अगर थोड़ा छोड़ा जाए तो छोड़ देते हैं हम। ओके ओके, और ये सारी चीजें सर मुर्तजा भाई? बिल्कुल, ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एविएशन वगैरह। बिल्कुल जी, इसमें बच्चों को एक घर में टूर सेट होता है बच्चों का, आप अपने घर का उसको वो बच्चे पकड़ते रहते हैं, तो इसी वजह से ये जो ना प्लास्टिक के हैं ये इतना हार्मफुल नहीं है, कुछ लगता नहीं है और बच्चे ये कि घर में खेलते खेलते हर चीज को पता भी चल जाता है, सीख भी जाते हैं कौन सी चीज कहाँ कैसे इस्तेमाल करनी है। इसके प्राइस क्या है? ये आपको पड़ेगी 500 रुपीज की। अच्छा, और इसके अलावा सर ये जो गाड़ी प्लेन्स वगैरह, ये 350 250 150 की इस तरह है जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू मुर्तजा भाई। क्रिकेट बैट ये देखें, हमारे पास क्रिकेट बैट होता है सीए का। ओके, ये टेनिस बैट है? बिल्कुल जी, सीए कंपनी का बैट है और इसी तरह एएम कंपनी और इससे अच्छे केजी वगैरह के बैट्स हमारे पास अवेलेबल। तो ये क्या प्राइस है इनकी? ये आपको पड़ेगा 450-550 के बैट्स हैं, जिस तरह ये बड़े क्वालिटी वाइज अच्छे। बिल्कुल जी बिल्कुल, और आजकल ये स्ट्रीट एक क्रिकेट हो रही है, आपने देखा होगा। हाँ जी जी, लड़के खेल रहे होते हैं MLS से है, प्रोफेशनल क्रिकेट टेनिस की हो रही है, ये प्रोफेशनल बैट टेप बॉल। बिल्कुल जी, टेप बॉल। और ये क्या प्राइस है इसके MLS की? ये तकरीबन पड़ेगा आपको 1200 रुपए का बैट। अच्छा, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत है ये। अच्छा, और मुर्तजा भाई अब ये बताएंगे सारी कार्ड्स वगैरह जो आपके पास है? ये जी हमारे पास कार सारी इम्पोर्टेड में है और डाईकास्ट कार्स है, और इसमें जो है हॉट व्हील्स भी है, कुछ कार्टून कैरेक्टर्स पे है, जैसे ये दी कार्स की है, थॉमस ट्रेन है, इस टाइप की सारी कार्स वगैरह हैं हमारे पास जो डाईकास्ट हैं ये सारी। अच्छा, तो इन कार्स की मुख्तलिफ प्राइसेस हैं? बिल्कुल जी, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, कोई 395 की है, कोई 495 की, कोई 550, कोई 650 की है जी। अच्छा, और इसके अलावा ये सारी चीजें जो ये कार्स वगैरह बड़ी बड़ी कार्स फ्रिक्शन सीरीज वगैरह, इसकी प्लास्टिक है और प्लास्टिक के अलावा इसकी क्वालिटी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डाईकास्ट हो, इसका वेट वगैरह चेक करें तो ऐसा लगता है जैसे ये लोहे की गाड़ी बनी हुई हो। अच्छा अच्छा जी, एक ये भी गाड़ी है, ये सिटी क्लीन के नाम से है, इसमें ये एक अवेयरनेस होती है बच्चों को पता चलता है जो हमारे शहर में नहीं चलती है, क्लीनिंग के लिए सारा सिस्टम जो होता है ये वो क्लीनिंग सिस्टम की सारी गाड़ियाँ हैं
और एक ही हमारे पास जो जी है हॉट व्हील की, आपको बता रहा हूँ ये भी काफी अभी इस वक्त। अच्छा, ये हॉट व्हील की क्या प्राइस है? ये 700 की है। और इसके अलावा ये दो जो कार आपने पहले मुझे दिखाई, ये उसमें जी आपको ये वाली कार पड़ेगी तकरीबन 750 रुपीस की है। ये वाली है हमारे पास 1000 रुपीस की है, ये वाली क्वालिटी वाली कार। अच्छा। और ये वाली जो हॉट व्हील है ये 700 की है। अच्छा, मतलब जितने भी आपके पास टॉयज है उसमें डेफिनेटली बच्चे नॉलेज हासिल करते हैं, सारी चीजें भी खेलने के लिए, बच्चों को पढ़ाने का भी तरीके का जरिया है। देखिए ये हमारे पास है, यहाँ पे ये वुडन आइटम्स है जो बेसिक एजुकेशन के लिए होते हैं, पजल्स वगैरह है। पजल्स वगैरह कितने के सर? 450 तक के होते हैं ये पजल्स, ये वाले। अच्छा, काफी नॉलेज में हेल्प करते हैं। ये ईवा है, पजल है, आजकल नया है 150 रुपीस का। ठीक है, बहुत नॉमिनल रेट है बच्चों के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात, एक शेप मिल गया, फिर उसके बाद पजल मिल गया, फिर उसके बाद ABCD एंड कलर्स। ओके, तीन चार चीजें एक साथ इसमें मिल गई आपको। अच्छा, और उसके अलावा सर हमारे पास ये बुक्स होती है बच्चों की, छोटे बच्चों की क्लोथिंग बुक होती है। इस क्लोथ बुक के अंदर देखें बच्चों को खेलते खेलते जो ना उनको ये पढ़ाई मिल जाती है। और दूसरी बात कि इसकी आप खूबसूरती देखें कितनी जबरदस्त है जी, पीकॉक हाँ। पूरी टेल के साथ उसने बनाया, बच्चा देखता रहता है, हम भी अगर बड़े भी हों तो थोड़ी देर देखते रहेंगे। टूकॉन इसके अंदर देखें कितनी हो, फ्लेमिंगो, स्पैरो, डव, ये बहुत खूबसूरत है, मतलब पैरेट्स। मतलब ये काफी हेल्प करती है बच्चों को लर्निंग करवाने में। और ये क्या प्राइसेस हैं इनके मुर्तजा भाई? ये आपको 550 की हम यहाँ पे सेल करते हैं, बहुत नॉमिनल रेट है मार्केट में, 1000 रुपीस 750 की सेल हो रही है इस वक्त। अच्छा, और ये टेलीफोन बच्चों का? ये बच्चों का टेलीफोन जी पुराना वाला डिजाइन है, हम तो और आप देखते हैं तो इसमें रिंग्स है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फाइबर की क्वालिटी है। और दूसरा ये इसको आप इसका हैंडल जो है इसका जो अपना दिया हुआ है हैंड, वो आप उसको पकड़ के उसको खींच भी सकते हैं, बच्चे चला भी सकते हैं। ओके, एंड म्यूजिकल भी है। एक ये हमारी क्लॉक है, ये आप देखें इसमें बड़ी जबरदस्त चीज है। इस चीज में आपको 6 चीज एक साथ मिल जाएंगी, 6 चीजें। ओके, पजल, कलर 1 2 3, ठीक है, शेप्स एंड क्लॉक। ओके, ये कितने की है डिजिटल? ये 550 रुपीज की। अच्छा, और टेलीफोन कितने का था है सर? ये टेलीफोन 1000 रुपीज का है जी। अच्छा अच्छा, और ये देखें आपको, वैसे बच्चों का बड़ा शौक होता है कि जी हमारे पास एनिमल्स और ये उनका शौक था, लेकिन इस एनिमल्स के अंदर देखें क्या चीज़ है, ये बैलेंसिंग एनिमल्स है और पजल एनिमल है। ओके, क्या आपको इसको जो ना एक दूसरे से अटैच करना है, और उसके साथ फिर बच्चे क्या पढ़ते भी हैं इसके, मतलब इसकी मतलब इसके नाम भी पुकारते हैं, जिराफ, डॉल्फिन, एलिफेंट, लायन। तो ये बच्चों को ये सारे एनिमल्स के नाम सिखाने में बहुत ये हेल्पफुल होता है। बिल्कुल हेल्पफुल है जी, बिल्कुल हेल्पफुल है। अच्छा, और उसके अलावा सर ये आपके पास ये देखिए शेप्स का है, ये शेप्स वगैरह की चीज़ें दी हुई हैं इसमें। ये ऊपर देखें ये ईवा मैट्स वगैरह ये बच्चों के हैं, और ये ABCD बहुत अच्छा लग रहा है, खास और बच्चों को ABCD बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोकल है 150 रुपीस का। अच्छा, ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों को सिखाने के लिए, इसलिए बच्चे थोड़ी अट्रैक्शन वगैरह सारी चीजें मानते हैं, सारी चीजें हो जाती है, स्पेलिंग भी आ जाती है, वर्ड्स भी आ जाते हैं, पिक्चर्स भी आ जाती है, सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है इसमें। अच्छा, और मुर्तजा साहब ये सारी चीजें क्या है? बिल्कुल, ये इनिशियल वाली सारी बच्चों की है, जो 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए प्री एजुकेशन होती है, ये प्री एजुकेशन की सारी चीजें हैं। और ये जो है वो फॉर्मिंग है, ईवा में है। अच्छा, ये है 1 साल से लेके बड़े बच्चों के लिए है, इसके अंदर जो है वो पिक्चर दी हुई है, उसी के बच्चों को सेंस करना, उसी को यहाँ पे जो है बटन्स को प्रेस करना है। ये देखें जैसे क्राउन दिया हो तो येलो है तो येलो, ब्लू तो ब्लू, रेड है तो रेड, इसी तरह बच्चा मतलब काफी कलर, मतलब बच्चों को याद करने में बहुत आसान। ये मेमोरी कहलाती है, मेमोरी गेम कहलाती है। ओके ओके, और इसके अलावा ये क्या है सर? ये स्टैकिंग कराता है ये, और इसके अंदर ये होता है एक बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, इस तरह उस पर रखने की चीजें होती हैं, और बच्चे को सेंस होता है कलर का और साइज का। अच्छा, और इसके प्राइस क्या है स्टैकिंग? ये आपको 800 रुपीस का पड़ेगा। अच्छा, ओके मुर्तजा भाई। ये भी एक हमारी अपनी बड़े अच्छी क्वालिटी बुक्स है, ये वाटर बुक है, इसके अंदर ये है कि इसके मार्कर में हमने अपने पीने का पानी रिफिल करना है। ओके, ठीक है जी, जब आप इसको राइटिंग करते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है और ये कलर होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एंड 10 मिनट्स बाद तो ये ड्राई हो जाता है, और फिर ये रीयूज भी है। Okay. ऐसा नहीं वन टाइम किया आपने फेंक दिया, नहीं, आप जगह सूख जाएगा, फिर आप इसको रीयूज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा आइटम है। ये कितने की प्राइस है? 650 की है। इसका एक बड़ा साइज भी मिल जाएगा। एक ये भी चीज देख लीजिएगा, ये ई बुक है। ओके, इनके पेजेस होते हैं, उनको आप टर्न करते रहते हो और आपको जो है ना उस पर सारे साउंड मिलते हैं, लाइक ABCD, 1 2 3, ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसी की स्पेलिंग भी बोलेगा, जहाँ प्रेस करोगे उसकी स्पेलिंग बोलेंगे, A for Apple, ALLE Apple। अच्छा, तो ये बच्चों को लर्न स्पेलिंग कराने में बहुत ही साउंड, बहुत ही अच्छा रहता है, बिल्कुल साउंड। ये कितने के प्राइस है ईबुक के? आपको मिलेगा जी 1100 रुपए का, अभी इस वक्त इसके रेट हुए, पहले ये 1000 रुपए का था, अभी थोड़े रेट थोड़े बढ़ गए। बिल्कुल, ये भी बताते चले आएंगे जी, कुछ चीजें महंगी भी दे रहे हैं, रेट तो डेफिनेटली वक्त के साथ चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस हो रहे हैं।
इस वजह से हम बता रहे हैं कि कहीं हमारी वीडियो में आपको ऐसा लगे कि भाई ऐसा ये महंगा है, इस वक्त ये महंगा होके आया है। ओके ओके मुर्तजा भाई, ये बताएंगे ये सारी चीजें, सारे वन ईयर बेबीज के लिए होती है, वन ईयर बर्थडे के अंदर होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको म्यूजिकल आइटम होती है पसंद, वो उसके लिए ये चलती है हमारे पास ना। ओके ओके अच्छा, और इसके अलावा ये हैप्पी रॉकिंग पोनी क्या है सर, ये जो आपके पास ऊपर है happy... ये जी वन ईयर से थ्री ईयर बेबी के लिए है। ये रॉकिंग हॉर्स है। ओके, इसमें रॉकिंग भी है और व्हील भी है, अगर आप इसको ऊपर से उठा लें तो रॉकिंग वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। अच्छा, और ये आपके बच्चे को चलाने के लिए भी इजी है, वन भी है, थ्री इन वन है ये। अच्छा, इसके प्राइस क्या है? म्यूजिक भी है, ये आपको पड़ेगा जी 2100 रुपए का, 2100 रुपए, मतलब इतना महंगा नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। और ये आप साइकिल भी देखें इस तरफ, हाँ ये वाली, हाँ ये ऊपर देखें ये वाली साइकिल, ये कितने की? ये आपको पड़ेगा 2150 रुपीज। ये कितने साल के बच्चों तक के लिए? ये वन ईयर से थ्री इयर्स के लिए, ये भी मतलब इसमें पैंडल नहीं होता है, लेकिन ये इतनी जबरदस्त बनी हुई है कि इसकी मजबूती ऐसी है कि अगर आपका बच्चा इसको इस्तेमाल कर भी ले तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में कोई और घर में आ जाता है तो उसको भी काम में, मतलब ये काफी हेल्पफुल रहती है, हेल्पफुल है। और ये है लोहे की बनी हुई है। अच्छा, और इसके व्हील रबड़ है, प्लास्टिक नहीं है। ओके ओके मुर्तजा साहब, ये बताएंगे फिशिंग गेम्स वगैरह? फिशिंग गेम्स भी है जी, ये बच्चों की एक्टिविटीज के लिए यूज होती है, उनके उनको पकड़ते हैं, कॉम्पिटिशन होता है बच्चों के अंदर, एंड कलर्स वगैरह थोड़ा सा चलता है तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं होती, बड़े भी अपने बच्चों के साथ जो है वो एंजॉय करते हैं। अच्छा अच्छा मुर्तजा भाई, मैंने जितने भी आपके पास मुर्तजा भाई देखी वो सारी बच्चों की लर्निंग के लिए, टॉयज के साथ साथ बच्चा लर्न भी कर सकता है, उसको काफी हमने यही अच्छी एक्टिविटी, हमने यही समझाना होता है कि जी खिलौने जिस तरह अगर पीछे से अगर ये बन रहे हैं ना तो क्यों बन रहे हैं, तो हम अपने कस्टमरों को यही यहाँ पे समझा, मतलब ये काफी ग्रूमिंग के लिए बच्चों के लिए हेल्पफुल है। दूसरे अगर शॉप वाले हैं वो तो सिर्फ ये कहते हैं फिशिंग गेम, हम इसको फिशिंग गेम के अलावा भी बताते हैं कि इसकी क्या एक्टिविटी और बच्चों और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके मुर्तजा भाई, थैंक यू सो मच सर, बताएंगे ये सारी चीजें। देखिए हमारे पास बर्थडे के सामान भी होते हैं अवेलेबल है, ये जो है ये सारी कैप्स है जो आप देख रहे हैं। ओके ओके, सारी फैंसी कैप्स है, इसमें स्टैंडर्ड कैप्स भी हैं जो बच्चों में बांटी जाती है, पहनाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास फ्लश होते हैं, ये कितने के कैप्स वगैरह होते हैं? ये कैप्स हमारे पास आपको 100, 150, 15 रुपीज, 20 रुपीज की मिलती हैं जी। अच्छा, और दूसरी चीज़ है? और ये बर्थडे के जो है बैनर्स वगैरह हैं, ये वाले बैनर्स हैं, वेलकम के बैनर्स हैं, हैप्पी बर्थडे के हैं, ब्राइड टू बी के हैं, इसमें स्लश हैं, फेरी लाइट्स हैं। ओके ठीक है जी, ये अपना बलून स्टैंड है। बलून स्टैंड कितने का है? ये आपका 550 रुपीज का बलून स्टैंड है जी। इसके अलावा हमारे पास ये अपना बलून्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। ओके, बलून्स क्या है प्राइस? ये बलून्स की प्राइस ये 250-300 रुपीज की है। ओके ठीक है जी, आपको इंडिविजुअल वर्ड्स मिल जाएंगे इसके, 1, 2, 3 मिल जाएगा, अल्फाबेट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह की लाइट्स मिल जाएंगी आपको हमारे पास। लाइट्स कितने की है सर? लाइट्स हमारे पास 150 रुपीस से लेके 750 रुपीस तक की है। अच्छा, और आपके पास बर्थडे कार्ड्स मिल जाएंगे, फोटो प्रॉप्स मिल जाएंगे इस तरह के। ये कितने का? ये बहुत प्यारा लग रहा है, 300 रुपीस का जी हमारे पास। अब बर्थडे कार्ड्स हैं आपके पास? बर्थडे कार्ड्स हमारे पास नहीं होते। इसके अलावा आपको थीम्स वगैरह सारी मिल जाएंगी, ये देखें थीम्स का है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखें पूरी पूरी थीम्स होती है। अच्छा है, ये बर्थडे की एनिवर्सरी की पूरी थीम होती है। अच्छा, ये क्या प्राइस है? ये आपको 1200 रुपए का पड़ेगा पूरा पैक। ओके ओके, और इसके अलावा ये सारी चीजें? ये तो सारी बर्थडे अपना उसी के तरफ है। ओके, और दूसरा ये कि देखें, ये हमारे पास रिबन वगैरह होती है, इसकी टेप्स वगैरह होती है बलून्स को लगाने के लिए, कैंडल्स वगैरह होती है। अच्छा जी, केक के ऊपर लगाने वाला होता है जी। इसके अलावा काफी वराइटीज है। ओके मुर्तजा, वो बेबी बॉर्न वगैरह के आइटम्स में अगर कुछ चाहिए तो उसमें मिल जाएगा। ये कितने का है? गार्लैंड बैलून्स और ये सारे सुपरमैन वगैरह, 325, 300, 250 इस तरह की मिक्स वैरायटी है सारी। ओके मुर्तजा भाई, थैंक यू सो मच। पॉपर वगैरह भी सब मिल जाएंगे आपको। ओके, और इसके अलावा क्या कहते हैं ये सारी चीजें सर? ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, किचन सेट्स हैं, वॉशिंग मशीन है, 2000 रुपीज की है, ये 1100 की है, ये भी एक थीम है बर्थडे की, हैप्पी एनिवर्सरी की। Okay. ये सारे बलून वगैरह दिए होते हैं जो आप देख रहे हैं इस पैकेट पे ना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये मेरे ब्लॉग को देखा, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि ये मैं क्या कहते हैं टॉयज़ की शॉप को कवर कर सकूँ, और ये टॉयज़ की जो शॉप हैदरी ब्लॉक की नॉर्थ नसबाबाद है, अगर आपको कोई भी टॉयज़ वगैरह चाहिए हो तो आप मिस्टर मुर्तजा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनके जो प्राइसेस है वो बहुत ही नॉमिनल है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस शॉप में आए, अपने बच्चों को लेके आए, और बहुत ही नॉलेजेबल टॉयज़ है, और डेफिनेटली इस टॉयज़ से बच्चे ग्रूम भी करेंगे, काफ़ी सीखेंगे, और ये बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे जल्दी मुलाकात होगी, और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जल्द मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।